भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये डोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में चार सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्त्रीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर, आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी,
उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया, और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे? क्या इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई और बहनों, ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टिकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीनों महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश देखा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है, और अभी ये दो परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित होकर के आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, ये प्रताड़ित होकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है, इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। एनडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टिकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुलकर के कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। कैसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान।